फ्रेंड्स आप. तो फ्रेंड्स आज हम अब करेंगे हमारे वाटर एलिमेंट्स जो कि हैं पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो. तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइसेस से. तो पाइसेस यदि आपके पास पहले प्रोफेशनल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी और आप कोई जॉब बदलने की या बिजनेस चेंज करने की अगर आप सोच रहे थे, तो मेरे पास ये एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है. एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये कहता है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो अभी आप इस वक्त में ट्राई कर सकते हैं अगर यदि आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, या अगर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो जॉब में या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, सॉरी टू बैकग्राउंड नॉइज़, तो वो जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने का टाइम है, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए. दूसरा हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड. क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि आपके पास फुल ऑफ अबंडेंस आ सकता है और नई जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी से आपको फ़ायदा होने वाला है. तो प्लीज़ बस आप थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचते हुए चीज़ों को अच्छे से प्रोसीड कीजिए. और यदि आप जॉब या बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो बस आप जो भी है उस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिए. किसी भी चीज़ को नेगेटिविटी हटाइए और पॉजिटिव वे में सोचते हुए जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. पर्सनल लाइफ में मेरे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो शायद पर्सनल लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी ना भी हो तो भी रिलेशनशिप में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. तो आप कोशिश कीजिए कि आप डिस्कशन कीजिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या मतलब क्या किस वजह से प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं. उसके पास बाद हमारे पास आया है नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड. नाइन ऑफ वांड्स ये कहता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है किसी भी वजह से, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है या कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब आप रेडी हैं. तो आप अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए रेडी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है, जो कि आप अपनी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा. तो आप अगर ये इस पॉजिटिव वे में लेते हुए नेगेटिव चीज़ों को दूर करेंगे तो पाइसेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है. बस आप प्रोफेशनल वे में या प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जिसे भी हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें और मतलब अपनी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में देखें और उनके लिए स्ट्रगल करें, उन चीज़ों को पाने के लिए फाइट करें, तो निश्चय ही जीत आपकी होने वाली है. पाइसेस ये थे आपकी हमारे पास रीडिंग और दिसंबर फर्स्ट वीक की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की कैंसर रीडिंग. कैंसर, आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ स्ट्रेस में थे पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे पास रिवर्स में आया कार्ड, तो हो सकता है कि पहले आप अपने जॉब को लेके या किसी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी है जॉब या बिजनेस उसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, परंतु अब ये मेरे पास रिवर्स में आया, तो अब आपका टाइम जो है वो चेंज होने वाला है. आपकी जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, या जो आप बहुत ज़्यादा पहले की चीज़ें सोच रहे थे, आपको नींद नहीं आ रही थी रात को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे सब कुछ होते हुए भी,
तो अब वो टाइम जो है वो बदल जाएगा और आपके लिए अच्छा टाइम आएगा। तो अभी आप जो है वो स्ट्रेस से दूर हो जाने वाले हैं। स्ट्रेस से तो आप दूर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरे पास एट ऑफ स्वर्ड का कार्ड आया है, तो आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपनी ही आपने अपने आप को खुद को ही कुछ नेगेटिव बातों में, कुछ नेगेटिव चीज़ों में जकड़ के रखा हुआ है। आँखों में आपने पट्टी बांध ली है, आप चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। तो आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप जो है अपने आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करें, अपनी चीज़ों को अच्छे से पॉजिटिव वे में लेते हुए जॉब में या प्रोफेशनल लाइफ में जैसे भी कुछ चीज़ें आपको जो लग रही हैं, तो ये आपकी खुद की बनाई हुई नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ आप उसको दूर कीजिए, चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी। देखिए पर्सनल लाइफ में मेरे पास आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पर्सनल लाइफ में आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन बस आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ों को बैलेंस कीजिए, रिलेशनशिप को और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उस चीज़ को बैलेंस कीजिए। अपने रिलेशन को थोड़ा बैलेंस तरीके से, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ लेने की ज़रूरत है, तो चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनल लाइफ की वो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, तो उस चीज़ को आप मैच्योरिटी के साथ लीजिए, और जो भी आपके आसपास की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा मैच्योरिटी लेवल के साथ सॉल्व करने की और चीज़ों को बैलेंस तरीके से देखने की ज़रूरत है। उसके बाद मेरे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को टाइटली, रिलेशनशिप को टाइटली मतलब रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। चीज़ों को डिस्कस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब बस आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, और जो भी चीज़ें आपकी हैं वो आपकी ही रहने वाली हैं, तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स से आपके लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स का सजेशन आ रहा है। यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में नेगेटिविटी को दूर करते हैं, मैच्योरिटी के साथ सोचते हैं और एक पॉजिटिव वे में अगर आप अपनी चीज़ों को देखते हैं, तो आपके लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, कोई सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, कुछ नया घर भी मिल सकता है, कुछ बहुत ही अच्छा कार्ड है, फुल ऑफ अबंडेंस का कार्ड है। तो यूनिवर्स आपको यही सजेशन दे रहा है कि अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखिए, नेगेटिविटी को दूर करिए, अपने आँखों की जो पट्टी आपने बांध रखी है अपने आसपास नेगेटिविटी की, उसको खोल दीजिए और दुनिया को एक पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश कीजिए। तो स्कॉर्पियो मेरे पास आपके लिए सबसे पहले टावर का कार्ड आ गया है। तो टावर कार्ड ये कहते हैं कि यदि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब में या बिजनेस में, या जो भी है आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही थी या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी, आपके लिए अच्छी नई चीज़ें आएंगी लाइफ में, जो कि पॉजिटिविटी के साथ आपको लेनी है, और अपनी नेगेटिव जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाइए, और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा रही हैं, उसको फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए, अपनी चीज़ों के लिए फाइट कीजिए, तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आने का पूरा टाइम है। उसके बाद मेरे पास आया है पेज ऑफ कप का कार्ड। पेज ऑफ कप ये कहते हैं कि आपके पास जो भी जॉब है या बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, उसको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ करने की ज़रूरत है, तो चीज़ों को और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको यही सजेशन दिया जा रहा है, यही बोला जा रहा है कि आप जो अपनी चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ देखें, अपनी जॉब को या अपने बिजनेस को, तो आपके पास क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आप थोड़ा सा उस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ देखेंगे, अपनी चीज़ों को बैलेंस लाइफ में बैलेंस लाएंगे, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी।
पर्सनल लाइफ में हमारे पास आपके लिए सेलिब्रेशन का ये थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है. थ्री ऑफ कप का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड भी कहा जाता है. तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है. अगर पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व हो जाएगी. कोई नई मैरिज भी हो सकती है और फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ या अपने ऑफिस में जैसे भी हो. तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है. तो अगर कोई पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व हो जाएगी. और उसके बाद ये सेलिब्रेशन का वक्त आ गया है. एस ऑफ कप ये कहता है कि अगर पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आप अगर उसको पॉजिटिव वे में लेते हुए उन चीज़ों के लिए फाइट करेंगे, उन चीज़ों के लिए आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो ज़रूर ही निश्चय ही आपको आपका कप जो है वो मिल जाएगा और आपकी जीत होगी, यानी कि आपके पर्सनल लाइफ में जीत होगी. यूनिवर्स की तरफ से मेरे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप जो है आपके पास जो भी यूनिवर्स ने दिया है, जो भी आपके पास है, फुल ऑफ अबंडेंस है आपके पास, पैसा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आप फिर भी उदास हैं. तो प्लीज़ आप उदास मत होइए, आप नेगेटिव वे में मत सोचिए. जो भी चीज़ें आपके पास हैं आप उनको नहीं देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है. तो आप एक पॉजिटिव वे में इन चीज़ों को लीजिए और जो चीज़ आपके पास है उनको पॉजिटिव वे में देखते हुए उन चीज़ों के साथ ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए. यूनिवर्स आपको ये सजेशन दे रहा है. तो ये बहुत ये कार्ड ऐसा है कि अब आपको ये करना है कि आप बस नेगेटिविटी को दूर कीजिए और जो चीज़ें आपके पास नहीं है उनकी बजाय जो चीज़ें आपके पास है उसके साथ अपनी ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए. और अपने चाहे रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप जो आपके आसपास की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं, वो उस चीज़ को बदल दीजिए. तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो की दिसंबर फर्स्ट वीक की रीडिंग. तो मुझे बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग जान के, आपको कैसा लगा. तो मैं काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी एंड कीप स्माइल, स्टे फिट ऑलवेज, सेफ वाटर एंड स्टे फिट. थैंक यू वेरी मच.